कौशाम्बी जिले में दहेज न मिलने पर माँ बेटी को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दहेज में मांगे गए रुपए न मिलने पर पति कमलेश ने पहले तो गर्भवती पत्नी को बुरी तरह से मारा पीटा। इतने से जब दिल नहीं भरा तो मिट्टी का तेल डालकर अपनी मासूम बेटी मुस्कान पत्नी रीता को जिंदा जला दिया, जिसके बाद पत्नी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बुरी तरह से झुलसी बेटी मुस्कान को पड़ोसियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मासूम बेटी को इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार का कहना है कि दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर गंभीर रूप से झुलसी बेटी का इलाज कराया जा रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए कौशाम्बी से शिवशंकर मदनवाल की रिपोर्ट। थाना पिपरी के लालापुर गांव में एक आरोप लगाया है कि युवती और उनकी पुत्री को जला दिया गया है। इसमें दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया गया है, दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 5 साल की बच्ची जो है इसमें घायल है और उसका इलाज चल रहा है जली हुई अवस्था में, और उसकी माँ की मृत्यु हो गई है।